उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बार फिर विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर में सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता को दोहराया। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित समारोह के दौरान जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कारण अपने घरों को छोड़कर विस्थापित की पीड़ा झेल रहे लोगों के पुनर्वास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। एक ओर 75वें स्वतंत्रता दिवस की उमंग और दूसरी ओर वैष्णो माता के चरणों में हाजिरी लगाने का उत्साह देखते ही बनता था। माता के जयकारे के साथ भारत माता के जयकारे भी धर्मनगरी कटरा और भवन मार्ग में गूंजते रहे। कई श्रद्धालु देशभक्ति के गीत बजाते हुए माता के दरबार की ओर जोश से पड़ रहे थे। श्रद्धालुओं की चहल कदमी से इन दिनों आधार शिविर कटरा में रौनक बनी हुई है। रोजाना हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जम्मू के अखनूर कस्बे के फवारा चौक में युवा वर्ग ने प्रदर्शन करते हुए सरकार से अपील की कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस 23 सितंबर को छुट्टी की घोषणा की जाए। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के प्रधान हैप्पी सिंह ने कहा कि हमारे राज्य के महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी की मांग बड़े लंबे अरसे से की जा रही है, पर किसी भी सरकार ने इस पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि अब हम अपील भी करेंगे और संघर्ष का रास्ता भी अपनाएंगे। वहीं जम्मू छम बस रूट के प्रधान भारत भूषण ने कहा कि महाराजा हरि सिंह किसी एक समुदाय, धर्म व जाति के नहीं, बल्कि सभी वर्गों, समुदाय और धर्मों के महाराजा थे। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनके जन्म दिवस पर हमें उस दिन बस सेवा भी बंद करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। श्रीनगर के बसंत बाग में विवाह समारोह के कुछ दिन पहले एक भीषण आग लगने के बाद जुड़वा दुल्हनों के सपने बिखर गए। उनका आवासीय घर जलकर राख हो गया। वहीं उनके पिता मुश्ताक अहमद शेख ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी दो बेटियों की शादी होनी थी। इस विनाशकारी आग ने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए का सोना, नगदी, सामान सब जलकर राख हो गया। परिवार व पड़ोसियों ने उपराज्यपाल प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गंदोह बलेसा इलाके में भारतीय सेना ने गंदोह बाउल में दूर दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ संपर्क कर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, सिलेंडर, ग्लूकोमीटर, स्ट्रिप्स, डिजिटल बीपी मशीन, थर्मामीटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर डोनेट किए। हेलीपैड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के बाद इन वस्तुओं को बीएमओ गंदो को भेंट किया गया। वहीं बीएमओ गंदो ने भारतीय सेना को नेक पहल के साथ दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के प्रयास के लिए धन्यवाद दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी नागरिकों को आश्वासन दिया है कि जो भी अघोषित युद्ध के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहा है उसको करारा जवाब दिया जाएगा। पड़ोसी देश अपने लोगों की देखभाल नहीं कर सकता और हमारे युवाओं को भड़काने के प्रयास कर रहा है। उपराज्यपाल ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू कश्मीर के नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, जिस कारण हमारी युवा पीढ़ी एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र में रह रही है। पिछले साल मैंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का जिक्र किया था। उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया गया है, लोगों की भागीदारी से सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगले आदेश तक शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। अलबत्ता शिक्षण संस्थानों के अध्यक्षों से कहा गया है कि वो 15 दिन के भीतर 18 साल से अधिक आयु के विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों की वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा करें, ताकि शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया जा सके। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, डिविजनल कमिश्नर जम्मू व कश्मीर, विभिन्न जिलों के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधिकारियों के साथ जम्मू कश्मीर में कोरोना की स्थिति पर विचार विमर्श किया।
कश्मीर घाटी के शोपिया में PMGSY के तहत चिरिट गांव हेपकुरी रोड पर कार्य प्रगति पर है। शोपिया के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़कें प्रदान कर उन्हें जोड़ने और जिला मुख्यालय शोपिया और अन्य जिलों तक उनकी पहुंच को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोग बहुत खुश हैं और PMGSY अधिकारियों और हाईटेक कंस्ट्रक्शन कंपनी को धन्यवाद दिया। इस इलाके में लोग पहली बार सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का काम देखकर बहुत खुश हुए। सड़कें नहीं होने से ग्रामीणों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अफगानिस्तान में तालिबान की दोबारा कायम हुई हुकूमत से घबराए लोग किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इसका एक भयावह दृश्य काबुल एयरपोर्ट पर नजर आया। अमेरिकी वायुसेना का सैन्य विमान जैसे ही टेक ऑफ के लिए आगे बढ़ रहा था, लोगों का हुजूम रनवे पर विमान के साथ साथ चल रहा था। विमान के उड़ान भरने से पहले कुछ लोग टायरों के ऊपर बनी जगह पर सवार हो गए। विमान जब ऊंचाई पर पहुंच गया तो लोगों ने संतुलन खो दिया। 3 लोगों की आसमान से गिरने से मौत हो गई। बाद में उनके शव मकानों की छत पर मिले। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 60 देशों ने तालिबान से गुहार लगाई है कि जो नागरिक अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते उन्हें देश छोड़कर जाने दिया जाए।